जमशेदपुर मजदूर यूनियन ने टाटा ब्लू स्कोप स्टील कंपनी में ठेका मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आगामी दिनों में आंदोलन करने का मन बनाया है। कंपनी के ठेका कंपनियों की जांच करवाए जाने की मांग भी की है। एक वार्ता के दौरान यूनियन के महासचिव ने कहा कि टाटा ब्लू स्कोप कंपनी के अंदर सक्रिय ठेका कंपनी सिग्नोड इंडिया लिमिटेड में कार्यरत ठेका मजदूरों का दोहन हो रहा है। उनके पीएफ का पैसा किसी दूसरी कंपनी के नाम पर जमा हो रहा है, जो कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए। यहां तक कि मजदूरों को जबरन ज्यादा काम करवाया जाता है और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उन्हें काम से हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनका वास्तविक हक दिलवाने की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है कि टाटा ब्लू स्कोप के अंदर सिग्नोट इंडिया नामक ठेकेदार है, उसके अधीन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित इस सवाल पर कह रहे हैं कि सिग्नोट इंडिया कंपनी के नाम से गेट पास दिया जाता है, उनका पीएफ जमा हो रहा है बाबा लोकनाथ के नाम से। इसी का मांग जब मजदूर करता है कि हमको बाबा लोकनाथ नहीं, हमको सिग्नोट इंडिया कंपनी का पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए, तो उसको काम से निकाल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूर रात्रि पाली में काम करने जाते हैं उनको कैंटीन के खाना से वंचित रखा जाता है। दूसरी ओर जो मजदूर छुट्टी लेकर के घर जाता है, आने के बाद उसको काम पर नहीं रखा जा रहा है। ते प्रताड़ित करके मजदूरों को एक दहशत का माहौल ब्लू स्कोप कंपनी में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम प्रेस के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसको देखा जाए, औद्योगिक शांति शहर के अंदर बना रहे, इसलिए हम यह मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। XT600 HCR TMT Reba. पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।